नमस्कार दोस्तों। तो इन कुछ दिनों में आप लोगों ने एक चीज तो जरूर से नोटिस करे होंगे कि हमारे प्ले स्टोर से जो है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल गायब हो गया है। जैसे हम लोग प्ले स्टोर पर फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन को सर्च करते हैं तो वहां पर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल भी शो नहीं होता, वहां से जो है गायब हो चुका है, वहां पर दिखाता ही नहीं है। तो अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, आप लोगों के प्ले स्टोर पर भी जो है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक ट्रिक का यूज करके अपने फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन का जो है डाउनलोड कर सकते हो। एंड फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन जो है वो फेसबुक के तरफ से जो है प्ले स्टोर से जो है परमानेंटली हटा दिया गया है, इसी वजह से आप लोगों को जो है प्ले स्टोर पर फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो पे एक ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप लोग बहुत ही इजीली अपना फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन को जो है आप लोग निकल सकते हो, उसको जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों आज के जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों चलिए ज्यादा टाइम का खत्म ना करते, फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो को। तो यहाँ पर जैसे हम लोग प्ले स्टोर पे जाकर या फिर जैसे हम लोग फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च करते हैं तो करने के बाद यहाँ पे क्या दिखता है कि यहाँ पर जो फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। फेसबुक की तरफ से यहाँ से जो है परमानेंटली इसको जो है गायब कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कहीं पे भी आपको फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से क्यों हटाया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं जो है अलग से एक वीडियो पे आप लोग को बताऊंगा। तो फिलहाल अभी जो है हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग को अभी जो है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन को जो है ट्रिक का यूज करके कैसे हम लोग को यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे प्ले स्टोर पे तो नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जो है अपने फोन का क्रोम ब्राउजर जो है उसको सिंपली आपको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सर्च बार पे आपको सर्च करना है सॉफ्टोनिक। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये लिखकर सॉफ्टोनिक जो है ये वेबसाइट लिख के आपको यहाँ पे जस्ट सर्च कर देना है। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे, करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख रहा होगा सॉफ्टोनिक का, तो आपको क्या करना है सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज जो है वो निकल के आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक सर्च बार दिख रहा है, तो आपको क्या करना है सिंपली सर्च बार पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, तो आपको जस्ट ये लिख के आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे, करने के बाद अभी आपको देख सकते हो सबसे ऊपर आप लोग को यहाँ पे फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो जो एप्लीकेशन है वो दिख रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अभी इस पे क्लिक करके आप लोग इसको जो बहुत ही इजीली यहाँ से आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ्री डाउनलोड का, तो आपको क्या करना है जस्ट फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, ऐड आएगा, उसको आपको यहाँ से कट कर देना है। कट कर देने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। सबसे पहला है फ्री ऐप डाउनलोड एंड दूसरा है इंस्टॉल फ्रॉम गूगल प्ले। अगर आप लोग प्ले स्टोर के थ्रू इसको डाउनलोड करना चाहते हो वो भी आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। अगर हम लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलता है। अगर हम लोग इस सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे आते आने के बाद यहाँ पे जैसे इंस्टॉल फ्रॉम गूगल प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, करने के बाद हम लोग यहाँ से सिंपली इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इंस्टॉल फ्रॉम गूगल प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करते हैं। आप लोग यहाँ पे पहले वाला जो ऑप्शन है फ्री ऐप डाउनलोड उस पर भी क्लिक करके आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम गूगल प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, करने के बाद ये जो है हमें प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हम लोग प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। यहाँ से अभी आप लोग जो है इसको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग जो इसको इंस्टॉल कर सकते हो।